हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? स्वागत है दोस्तों मेरे नए ब्लॉग में। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग शुरू करता हूँ। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं अभी अपने बिस्तर पे हूँ और मम्मी लोग चाय पी रही हैं और भैया भी यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर फोन चला रहा था। इसको मैंने मना कर दे, यार हमारा छोटा वाला काका इतना कर दे, बाय कर दे, बाय कर दे, काका बाय कर दे। हाँ तो गाइस देखा, वो उसने बाय कर दिया। तो गाइस ये रही मेरी चाय, अभी चाय पी रहा हूँ। और साथ ही साथ गाइस आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये मेरे पास कीबोर्ड है। मैंने आपको पहले भी एक बार चर्च किया था, चर्च में आपको बताया था कि मेरे पास कीबोर्ड है खुद का और मैं उसको प्ले भी कर लेता हूँ। तो गाइस ये मेरा इतना बड़ा सेट है, तो पूरा जब रूम बन जाएगा आई अच्छा आई आई अच्छे से, तो अभी इसको भी सेटल कर दूंगा कहीं ना कहीं। तो अभी पूरा देखो, ये गाइस मेरा ही रूम है, मेरा मेरा मेरे भाई का, दोनों का ये मतलब। तो आगे देखेंगे फ्यूचर में क्या होगा। तो चलिए गाइस, अभी के लिए तो बिस्तर पे ही हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं, कोहरा बहुत हो रहा है और अभी बाहर बाहर नहीं निकलूंगा क्योंकि ठंड बहुत है। तो अभी बिस्तर में, तो गाइस इसको चाय चाय वगैरह पी लेते हैं, फिर देखते क्या काम करना है। भाई साहब, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अपने पास वाली मार्केट पे। हमारी मेरी गाड़ी ना पंचर हो गई थी और इस वजह से अभी हवा डालकर घर से निकला हूँ। और भाई साहब आपको दिखा देता हूँ, कोहरा बहुत हो रहा है। वो ये रहा हमारे मार्केट को जो रोड जा रही है ये वाली। और गाइस कोहरा देखो कितना हो रहा है, आपके भी सिर्फ कोहरा ही होगा क्योंकि ठंड का मौसम है। उससे कोई बात नहीं, तो चलिए गाइस भी गाड़ी को मैं पंचर लगवा के आता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। चलिए गाइस अभी दुकान पर पहुँच गए और ये दुकान हमें पास में मिल गई थी, तो यहाँ से पंचर लगवा देते हैं। अभी मार्केट नहीं जाएंगे ना, मार्केट काफ़ी दूर है यहाँ से। तो गाइस ये रही दुकान, अभी इन्होंने भाई साहब ने ये तंबू सा लगा रखा है, तो अभी बनाएंगे जैसे जैसे तैसे करके। पहले हमारे गांव में थी ये रही पंचर वाली दुकान और वो रही हमारी गाड़ी छमा के चलो। तो चलिए गाइस ये भाई भी अभी पंचर लगाएंगे और मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि ये हाईवे रोड है और ये रही हमारे घर को रोड जा रहा था जो वाला। और साथ ही साथ ये हमारा गुरुद्वारा है और ये रहा ढाबा। यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी रहती है जहाँ पर मैंने चाय पी थी जब आया था। तो चलिए गाइस और भी आपको चीज़ दिखाता हूँ। वो रहा सामने वाला गुरुद्वारा जो कि बहुत बड़ा है और ये धन्ने बाबा का गुरुद्वारा है जो हाईवे रोड पे अटैच है। तो गाइस यहाँ पर ना भीड़ लगी रहती है, इसलिए पहले यहाँ से दिखा देता हूँ। पहले ये दुकान थी इन्होंने, फिर ये दुकान खोल दी, फिर सामने ये हिमाचल वाला ढाबा है जहाँ पर मैंने पहले दिन आके चाय पी। तो गाइस ये रही हमारी बाइक। और गाइस कोहरा देखो कितना हो रखा है, ये देखो कोहरा ही कोहरा हो रखा है। अभी ठंड का मौसम है ना तो कोहरा होगा। चलिए गाइस अभी बने रहिए हमारे ब्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। चलिए गाइस ब्लॉग में बने रहिए हमारे। तो चलिए गाइस अभी मैं अपने घर पर आ गया हूँ और आपको दिखा देता हूँ। अभी गाड़ी ठीक हो गई है, ये बिल्कुल ये वाला टायर ना, ये पीछे वाला बिल्कुल पंचर हो गया था। अभी जस्ट अभी इसको घर पर आए और सही करवा के लेके आए। तो गाइस ये रहा हमारा छोटा वाला, अरे सर लग दिया। तो ये मम्मी हमारे बर्तन धो रही। गाइस अभी घर पे कोई नहीं है, छोटा वाला अभी नहीं है घर पे, भाई विलियम वो भी कहीं गया है। चलिए गाइस अभी भूख बहुत जोर की भूख लग रही है और खाना खा लेता हूँ मैं। तो गाइस अभी मस्त है, यहाँ पर धूप निकली है और बैठे हैं आराम से। 2 बजे ये धूप निकली है, तो अभी कोहरा हो रहा है ना, ठंड का मौसम है तो कोहरा हो रहा है इसलिए धूप हो अभी। और यहाँ पर मस्त यहाँ पर बैठे हैं पूरी फैमिली बैठी हुई, ये हमारे पड़ोसी वाले और हमारी मम्मी पीछे। मम्मी मम्मी अच्छा है, मम्मी भी है और पापा लोग वहाँ पर गए, पापा वहाँ पर गए जहाँ पर शादी है। तो अभी यहाँ पर धूप हो रही है, मस्त यहाँ पर बैठे हैं, अभी खाना पीना खाएँगे, भूख लग रही बहुत जोर की। तो अभी ये कल कपड़े धोए थे, अभी देखो ये सूखे नहीं है, ठंड का मौसम है ना तो सूखेंगे नहीं पूरे पूरे छोटे बड़े जितने भी। ये देखो इसमें मेरे जो नए कपड़े वो मैंने नहीं धोए धोए थे क्योंकि वो कभी पता नहीं सूखेंगे नहीं सूखेंगे, इसलिए मैंने नहीं धोए थे। तो भाई हमारे फूल देखो कितने मस्त हो रहे हैं, ये वाले ये हर बार होते हैं ठंड के मौसम में। वहाँ पर भी देखो तो हमारी साग सब्जियाँ भी लगी हुई हैं वहाँ पर और कुछ यहाँ पर है। हमें तो हमारे घर में एक लाल मूली है, लाल मूली भी लगी हुई है। लाल मूली कौन सी होती है? मूली है, दिखाऊं? तू लेके आ लाल मूली। ना लगी हुई है, लगी हुई है। गाइस ये कह रहा हमारे घर पे लाल वाली मूली है। तो लाल मूली, लाल वाली मूली कैसे हो सकती है वो तो पता नहीं, मैंने तो सफ़ेद मूलियाँ देखी अभी तक। लाल वाले अमरूद भी देखे मैंने, वो हो सक अमरूद भी हो सकते हैं, है लाल वाली मूली। चलो गाइस आपको मैं लाल वाली मूली दिखाता हूँ, ये कह रहा तो हो सकता है कि लाल वाली मूली है। कहाँ पर है?
अरे देखो वो पक गई है, पकने के बाद ऐसी हो रही ये भी तो पक गई है। है, शलजम की तरह हो रही है गाइस। ये शलजम की तरह हो रही है, बट ये पक गई है मेरे हिसाब से। तो सब ऐसी ही है। धूप देख ले कितनी मस्त हो रही है, अभी 2 बजे धूप हो रही हुई है ना। तो चलिए कहीं बैठ जाते हैं फिर से यहाँ पर अपने, और खाना मम्मी खाना ले कह रही, खाना खाएंगे हम मस्त यहाँ पर। तो गाइस अभी खाना पीना हो गया, और रख दिए प्लेटें नीचे, और ये कुर्सी उल्टी कर दी थी छोटे भाई ने, सबसे छोटे वाले ने। मम्मी अभी सीढ़ी कर रही है। तो गाइस अभी खाना पीना हो गया है, अब ये पता नहीं मम्मी कह रही सिर में कुछ मारेगा लकड़ी वगैरह के ना यार, सट लग दी यार। चलिए गाइस इसके सामने से उठ जाते हैं। वैसे हमारे पास ना एक मुर्गा था, वो बहुत खतरनाक हो गया, लड़ाकू मुर्गा है, मतलब अभी मारता है, काट लेता है। तो वो मुझे पड़ गया था, और मैं डंडा पकड़ा उसके एक लगा दी पैर में, तो वो ना काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, जैसे मरने वाली वो नहीं हो जाती है, वैसे करने लगा था। तो मैं तो डर गया था, मैंने कहा पता नहीं अब ये मर गया कि जिंदा है। वो कुछ ही देर बाद वो फिर से उठने लगा, तो मैंने कहा चलो बच तो गया। अभी फिर वो अपने आप ही अपने कमरे में चले गए खुड्डे में। तो ये देखो कितने पंख उसके, ये रहे काफ़ी, यहाँ पर ही मैंने मारा था। तो पहले तो मैंने सोचा चलो धीरे मारता हूँ, वो एकदम ज़ोर से लग गया, फिर मुझे थोड़ा बुरा सा लगा कि लोग इतनी ठंडे ठंड में मैंने ये डंडा मार दिया, दुख तो लगता ही है गाइस। तो चलिए गाइस अभी खाना पीना हो गया, और मैं चलता हूँ शादी वाले घर पे, आज प्रोग्राम वहाँ पर। तो चलिए गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर पे, और जैसे कि आप देख आपने देखा कि मैं शादी वाले घर पे गया था आज, वो लड़की को ना तेल लगाने वाली जो रस्म होती वो रस्म थी आज, वो भी आज कंप्लीट हो गई। मतलब पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, वो पंजाबी में शायद ऐसा होता है, मैंने हिंदू वाली शादी अभी देखी नहीं ना। तो अभी जस्ट अभी आए, और मम्मी तुरंत खाना बनाने लगी है, वहाँ पर खाना खा कर नहीं ना आए थे, तो अभी पापा वहाँ पर हैं, वो आएंगे। गाइस कोहरा बहुत हो रहा है, मैं तो बाइक पे था, बहुत ही ठंड लग रही थी, और मतलब 10-20 की स्पीड में चला रहा था, मतलब आगे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोहरा इतना हो रहा, आप समझ सकते हैं। तो गाइस ठंड में ना कहीं बाहर मत निकलिए भाई, सेफ्टी अपने हाथ में ही है, क्योंकि रात को तो बिल्कुल मत कहीं भी मत जाइए, ठंड हो रही है ना काफ़ी, और सड़क में कुछ दिखाई देता नहीं वैसे भी। तो सेफ्टी अपने हाथ में है गाइस, ठंड का मौसम है, मतलब कपड़े वगैरह पहन के रखिए मोटे, और ठंड से बचिए। तो चलिए गाइस अभी खाना बन रहा है, मम्मी खाना बना रही है, देखो आज चूल्हे पे खाना बन रहा है हमारा, और कुर्सी पे बैठ के खाना खाएंगे, काफ़ी समय बाद कुर्सी पे बैठ कर खाना खा रहे हैं, मतलब कुर्सी पे नहीं, रोटी बन रही है तुरंत खा रहे हैं ऐसे। तो नहीं तो पहले हमारा खाना बनता था, फिर प्रेयर करते थे, फिर जाके खाना खाते थे। तो अभी कुर्सी लगा दी, अभी खाना खाएंगे। चलिए गाइस अभी मैं खाना खा लेता हूँ, थोड़ी देर बाद खाना बन जाए। तो चलिए गाइस अभी खाना आ गया, और खाना खाते हैं, ये रहा खाना, ये आलू की सब्ज़ी, और ये साग है, और ये रोटी, मम्मी भी खाना बना रही है। तो चलिए गाइस अभी खाना खा लेते हैं हम भी, और विलियम भी आ रहा है छोटा भाई, वो भी खाना खाएगा यहाँ पर बैठ कर। तो चलिए गाइस अभी खाना खा लेते हैं, वो जो की भूख लगी है, शादी वाले घर से हैं, खाना घर पे खा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलिए गाइस उनका खाना बन रहा था, और भी हमें थोड़ा घर पे आना था, मतलब अभी वहाँ पर क्या करेंगे, चलो वो बात को भी बाद में करेंगे, फिर खाना खा लेते हैं। तो चलिए गाइस जैसे कि आपने देखा अभी शादी वाले घर से आए थे, और वहाँ पर कोई रस्म थी वो भी आज कंप्लीट हो गई, कल भी प्रोग्राम, परसों शादी है, 30 या 31 तारीख को ऐसी कुछ शादी है। तो शादी से हफ्ता एक पहले कोई रस्में रस्में होती हैं, वो निपटती रहती हैं, तो वहाँ पर भी गए थे, और वो वहाँ से भी आ गए, खाना खा के नहीं आए थे, तो चलो अपने घर पे खाना खाया, मस्त खाना पीना हो गया अभी। तो
आई होप गाइस आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा मैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।